प्यारे चुनौती पसंद खोजियों, आप जब लिखान करने के लिए बैठोगे, आपको इंटेंशन दिया जा रहा है कि जब आप लिखान के लिए बैठोगे, ये क्या है, राइट मेडिटेशन, या राइट का अर्थ क्या है, लिखने वाला, लिखने वाला मेडिटेशन, आप उसके लिए बैठे हो, पानी का गिलास भी रखा है, पेन भी है, पेपर भी है, और आप बैठे हो कि क्या लिखा जाता है, पहले ही नहीं है माइंड में आपको ये लिखूंगा वो लिखूंगा, आप बैठे हो क्या लिखा जाएगा, और आप पेन लेकर बैठे हो क्या लिखा जाए, जो भी आए, जो भी हो रहा है उसका मतलब बनता है नहीं बनता है उसकी चिंता मत करो, आप पेपर के साथ बैठे हो, आप जल के साथ बैठे हो, आप स्वसंग कर रहे हो, यानी अपने साथ सत्संग में बैठे हो, ये लिखान का इंटेंशन है। हर दिन 5 से 10 मिनट आपको ये चैलेंज लेना है, 30 दिन बिना तोड़े, 24 नवंबर तक 15 अगस्त से 24 नवंबर तक 100 दिन जो हैं उसमें आपको 30 दिन लगातार करने हैं। समझो 15वें दिन भूल गए आप तो नेक्स्ट डे से क्या शुरू होगा, 1 आगे 30 दिन आपको करने हैं, तो 100 दिन के अंदर 30 दिन कंप्लीट करने ही है, ऐसा चैलेंज। मगर टाइम क्या है, 5 से 10 मिनट आप बैठे हैं, कुछ लिखा कुछ नहीं लिखा, उसका पहला पार्ट ये है। दूसरा पार्ट क्या है, प्रध्यान। प्रध्यान में क्या है, एक प्रतीक कहानी, इसको प्रध्यान कहा जाता है, प्रतीक कहानी, एनालॉजी जैसे शशि बताते हैं आपको, उस कहानी पर आप मनन करके लिखोगे, उसमें ऐसा क्या संकेत था जो पहले आपको पकड़ में नहीं आया था। कोई भी एक एनालॉजी आप लेंगे, जैसे कि आपको एक एनालॉजी बताएं इस वक्त कि ये कामनाओं पर है, ये इच्छाओं पर है। लोग जब कहते हैं ना कि मैं ये इच्छा नहीं रखूं क्या, ये कामना नहीं रखूं क्या, फिर ऐसा हो तो वैसा हो, तो कुछ तो ऐसी बातें हर एक के अंदर रहती है, तो उनको सरसी क्या एनालॉजी बताते हैं कि देखो एक इंस्पेक्टर है, उसके बेटे को एक डाकू लेकर गया, बदला लेना था उसको, वो डाकू लेकर गया बच्चे को बचपन में ही, और डाकुओं के साथ रहकर वो बड़ा हुआ, और उसको पता ही नहीं है कि वो कौन है, वो तो अपने आप को डाकू ही समझता है, मैं डाकू हूँ। तो अब ये बड़ा हुआ है और उसकी कामना है, अब उसकी इच्छा है, क्या कहता है कि मुझे ना 100 पुलिस वालों को मारना है, रिकॉर्ड करना है, इतना रिकॉर्ड कुछ नहीं हुआ है अब तक, 56 का रिकॉर्ड हुआ है मगर 56 से ऊपर गया नहीं है कोई, तो मुझे 100 पुलिस वालों को मारना है। अब उसकी इच्छा है, उसकी कामना है, तो वो पूछेगा क्या मैं ये कामना नहीं करूं, क्या मैं इच्छा नहीं करूं, लोगों के अंदर होती ना मेरी ये कामना है, ये मेरी इच्छा है, तो उसको क्या कहा जाएगा, करो मगर पहले जानो तो ये तुम्हारी कामना है भी कि नहीं है, ये कामना तुम्हारी है कि नहीं है, तुम कौन हो पहले जानो, वो जानने के बाद फिर भी ये कामना रहती है तो करो, तो उसको क्या सत्य मालूम पड़ता है, वो खोज करता है मैं कौन हूँ, खोज करता है, और उसको पता चलता है वो इंस्पेक्टर का लड़का है। जिस दिन उसको मालूम पड़ा वो इंस्पेक्टर का लड़का है, अब बताओ आप उसकी वो कामना है कि नहीं, अब वो कामना समाप्त हो गई, उसी क्षण समाप्त हो गई, ये क्या जादू हो गया।
तो बहुत सारी इच्छाएं हम करते हैं और स्वयं से पूछते नहीं हैं कि ये मेरी कामना है भी कि नहीं है, सिर्फ मैंने पकड़ ली है, क्योंकि खुद को शरीर ही मानता हूँ, स्त्री मानता हूँ, पुरुष मानता हूँ, इसलिए ये कामना है। तो सच्चाई जानने पर, अब ये एक एनालॉजी में आपको बताया, तो आप एग्जाम्पल इस एनालॉजी को लेकर बैठे पर ध्यान, कि अभी आप खुली आंखों का ध्यान कर रहे, खुली आंखों का ध्यान मंथन, आप मंथन कर रहे हैं और उसमें कुछ शिफ्टिंग मिली, वो आप लिखते हो, लिखान राइट मेडिटेशन में आपको क्या राइट करना है समझ में आ रहा है, 5 से 10 मिनट में ये हो जाएगा, फिर वो लिखोगे और अंत में पानी को उठाकर, क्योंकि पानी के साथ क्या हुआ, सत्संग, पानी के साथ क्या हुआ, सत्संग, वही आपको सुन रहा था, वही साक्षी था, आपने लिखा, आपने जो सोचा और अंत में उस जल को उठाकर क्या कहा, तुम सत्यम हो, तुम शुद्धम हो, तुम अंदर बाहर से सुंदरम हो, तुम संजीवन हो, तुम्हारे अंदर उपचार की शक्ति है, जीवन में समृद्धि, रिश्तों में प्रेम, शरीर में स्वास्थ्य और कला भर दो, और वो आप जल पी लेते हैं। ये हो गया राइट मेडिटेशन। सरल है, सिंपल है, पहले में क्या लिखेंगे आपको भी मालूम नहीं है, सिर्फ आप उपस्थित हो, इस उपस्थिति में जो क्रिएट हो जाए, लिखान नियम को समझो और 30 दिन का चैलेंज लेकर आप पूरा करेंगे। तो आपको समझना है, अपने आप को तैयार करना है, पर्पस क्या है, उत्थान का है, पर्पस क्या है, हमारे अंदर जो ईश्वरीय चेतना है उसको मौका मिले, खुली आँखों से भी हम ध्यान कर पाएं। आप ये हैबिट्स आसानी से लगा सकते हो, आपके अंदर क्लैरिटी आनी चाहिए क्यों करना है। इसके लिए तो आपको इतनी सारी बातें बताकर, एनालॉजी में आपके सामने परोस कर, कि आपकी कामना क्या है, आप कौन हो जानो, तो डाकू का बच्चा जानकर उसकी जो तमन्ना थी वो समाप्त हो गई और एक नई तमन्ना जग गई उसके अंदर। मैं इंस्पेक्टर का बेटा हूँ तो अब इसके अंदर क्या आई इच्छा, अब मैं 100 डाकुओं को सुधारूंगा। ये रिकॉर्ड किसी ने बनाया नहीं, तो मैं अभी 100 डाकुओं को इंसान बनाऊंगा, 100 डाकुओं को उनकी चेतना बढ़ाऊंगा, अपलिफ्ट, उनको अपलिफ्ट करूंगा, उनका समर्पण करवाऊंगा, उनका समर्पण करवाऊंगा। अभी ये कैसी इच्छा आ गई है, उसको कहा जा रखो ऐसी इच्छा, रखो ऐसी इच्छा, अभी 100 की आई है, रखो ये इच्छा, देखो आगे क्या आता है, शुरुआत करो, क्योंकि आपकी इच्छा है, ये आप जो हो उसकी इच्छा है। तो हम कौन सी कामनाओं में फंसे हुए हैं हमें पता नहीं है, अगर तो फिर आप ये नहीं पूरी हुई तो क्या जीकर फायदा। आप भविष्य में अपने जीवन को कैसे देखना चाहते हैं, क्या आपने यह लिखा है, यदि नहीं तो लिख लें और लिखा नियम को जागृत करें, क्योंकि जो लिखा जीवन में दिखा, यही है लिखान नियम। सर श्री लिखित लिखान नियम, लिखते लिखते सफल हो जाएं। लॉ ऑफ राइट राइटिंग, इस पुस्तक का जरूर लाभ लें। लेखन आत्मविश्लेषण, आत्मविकास और सफलता प्राप्त करने का प्रभावी तरीका है। सर श्री लिखित यह पुस्तक न केवल हमें अपने आप को बेहतर समझने में मदद करेगी, बल्कि हमारे जीवन को एक सच्चा अर्थ भी देगी। तो समय न गवाते हुए आज ही यह पुस्तक ऑर्डर करें। इस पुस्तक को ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए हमारी वेबसाइट है www.gethappythoughts.org या हमें 9011013210 इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। धन्यवाद।